हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फनटेक बूम पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था, पोको एक्स थ्री का कंपैरिजन रियलमी 7 प्रो से मैं बहुत ही जल्दी ले आऊंगा और एक एक पॉइंट को कंपेयर करके मैं बताऊंगा यार कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है, कौन से प्राइस पे आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, किस में कैमरा अच्छा होगा, किस में डिस्प्ले अच्छी होगी, किस में बैटरी अच्छी होगी, तो किस पर्पज के लिए आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यार, अगर आप 18-20 हजार का कोई भी फोन लेने की सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एक एक पॉइंट हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। और शुरू करते हैं आज का हमारा टेक वीडियो। हां, तो यार, जब से मतलब रियलमी 7 प्रो लॉन्च हुआ था तो लोगों को बहुत पसंद आया था कि भाई बहुत ही अच्छा फोन है। लेकिन जब से पोको एक्स थ्री लॉन्च हुआ तो यार कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कौन सा फोन ले, किस में क्या अच्छा है, किस में क्या अच्छा नहीं है। तो आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा अगर आप वीडियो को एंड तक देख लोगे। तो यार, हमेशा की तरह वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिजाइन को लेकर बात करेंगे। तो यार, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आपको लुक्स कैसा पसंद आ रही है, डिजाइन कैसा पसंद आ रहा है। मतलब दोनों का डिजाइन ही काफी कमाल का है। अगर पोको की बात करें, पोको एक्स थ्री में आपको देखने को मिलते हैं दो कलर, ब्लू और ग्रे, दोनों ही कलर कमाल के हैं। रियलमी 7 प्रो की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं सिल्वर और ब्लू, तो ये भी कलर काफी कमाल के हैं यार, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बहुत ही कमाल के हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा कलर आपको किस फोन का अच्छा लग रहा है और किस फोन का ज्यादा डिजाइन अच्छा लग रहा है। वही बात करें, पोको एक्स थ्री में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन आपको रियलमी 7 प्रो में देखेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं डिजाइन में किसको जिताना चाहूंगा, मैं जिताना चाहूंगा रियलमी 7 प्रो को। क्यों जिताना चाहूंगा? क्योंकि भाई, जो पोको एक्स थ्री का वेट है ना, वो है 225 ग्राम, और वही रियलमी 7 प्रो का वेट है 182 ग्राम। मतलब इतना लाइट वेट फोन यार, 182 ग्राम और 225 ग्राम, यार इतना भारी फोन और इतना लाइट वेट फोन, तो यार इतना कॉम्पैक्ट, इतना लाइट वेट डिजाइन, मतलब तो डिजाइन लुक्स मेरे को रियलमी 7 प्रो की ज्यादा अच्छी लगी। आप जरूर बताना कि आपको इतना भारी फोन पसंद है 225 ग्राम तक, या इतना हल्का 182 ग्राम्स का रियलमी 7 प्रो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन से फोन का डिजाइन और कौन से फोन का कलर अच्छा लगा। तो यार, डिजाइन में लुक्स आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि कौन सा कलर, कौन सा डिजाइन अच्छा लगा, लेकिन यार लाइट वेट ही चाहिए ना रियलमी 7 प्रो, बहुत मतलब उससे 40 ग्राम के आसपास हल्का है। तो यार, अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले में कौन जीतेगा। पोको एक्स थ्री की बात करें तो 6.67 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले, जो कि एक नॉर्मल फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वहीं रियलमी 7 प्रो में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो यार LCD 120 हर्ट्ज और सुपर एमोलेड 60 हर्ट्ज में क्या डिफरेंस होता है, आई बटन में एक वीडियो दूंगा, जाकर देख लेना, एक एक पॉइंट कवर करा है कि किस डिस्प्ले का क्या ज्यादा फायदा होता है और किस डिस्प्ले का क्या नुकसान होता है, किसमें आपको क्या लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। यार, इसमें मैं बताऊं तो मेरी पर्सनल चॉइस सुपर एमोलेड 60 हर्ट्ज ही रहती है, क्योंकि वही ज्यादा अच्छी होती है यार। अब ये नहीं कह रहा कि भाई उसके नुकसान नहीं होते, मतलब LCD भी अपने अलग फायदे हैं LCD 120 हर्ट्ज के, LCD सुपर एमोलेड को कंपेयर नहीं कर रहा। इसीलिए यार, अगर इस कंफ्यूजन को दूर करना है ना, उस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। ये आपकी चॉइस हो सकती है कि LCD 120 हर्ट्ज चाहिए या सुपर एमोलेड 60 हर्ट्ज चाहिए। मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो यार, मेरे को सुपर एमोलेड 60 हर्ट्ज ही ज्यादा पसंद है। तो डिस्प्ले के मामले में यार, मैं किसी को जिताना नहीं चाहूंगा। अगर आपको देखना है कि कौन सी डिस्प्ले अच्छी है, तो उस वीडियो को देखो, जब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डिस्प्ले अच्छी है। हालांकि मेरी पर्सनल चॉइस मैंने बता दिया, रियलमी 7 प्रो सुपर एमोलेड ज्यादा अच्छी है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको दोनों में से किसकी डिस्प्ले अच्छी लगी। बात कर लेते हैं कैमरा को लेके, जो कि बहुत ही मेन सेगमेंट होता है यार, और बहुत लोग देखते हैं कैमरा को अगर कोई फोन ले रहे हो तो। जीरा ले जाइए फ्रेंड्स। यार, बात कर लेते हैं कैमरा को लेके, क्योंकि बहुत ही मेन सेगमेंट हो जाता है कई लोगों के लिए, कैमरा देख के फोन लेते हैं। पीछे की साइड दोनों ही फोन में आपको 4-4 कैमरा देखने को मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन में लगा हुआ है सोनी IMX 682 सेंसर, जो कि बहुत ही कमाल का सेंसर है। और यार, आपको ऐसी फोटो वीडियो निकाल के देखना है इस प्राइस सेगमेंट पे, बहुत ही कमाल की। तो कैमरा के लिए तो यार दोनों ही फोन A1 है, मतलब बहुत ही कमाल का कैमरा इन दोनों में लगा हुआ है, सोनी IMX 682 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी। लेकिन बाकी के तीन कैमरा की बात करें तो यार, रियलमी 7 प्रो में आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और बुके। लेकिन वही आपको पोको एक्स थ्री में देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का वाइड और 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और बुके। मतलब वाइड आपको पोको एक्स थ्री में ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन यार, सेल्फी कैमरा की बात करें तो पोको एक्स थ्री में 22 मेगापिक्सल की और रियलमी 7 प्रो में 32 मेगापिक्सल की। तो भाई, कंक्लूजन बताऊं ना तो रियर कैमरा बिल्कुल सेम है, लेकिन सेल्फी कैमरा रियलमी 7 प्रो का अच्छा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड उधर पोको एक्स थ्री में अच्छा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेल्फी ज्यादा खींचनी है या रियर वाले कैमरा से, प्राइमरी कैमरा से नहीं, अल्ट्रा वाइड ज्यादा अच्छे खींचने। अगर आपको अल्ट्रा वाइड ज्यादा अच्छे खींचने हैं तो पोको एक्स थ्री के साथ जाओ, अगर आपको सेल्फी ज्यादा अच्छी चाहिए तो रियलमी 7 प्रो के साथ जाना। यार, बात करें बैटरी को लेकर तो उसमें भी बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि पोको एक्स थ्री देता है 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, वही आपको रियलमी 7 प्रो देता है 4500 mAh की बड़ी बैटरी लेकिन 65 वाट की फास्ट चार्जिंग। मतलब अगर आपको
65 वॉट की फास्ट चार्जिंग चाहिए ना कि 30 मिनट में फोन चार्ज हो जाए पूरा 30-35 मिनट में, तो रियलमी 7 प्रो के साथ जाना। लेकिन अगर आपको बैटरी ज्यादा बड़ी चाहिए या बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल जाए, बेशक चार्जिंग थोड़ी लेट हो, तो आप पोको X3 के साथ जाना। और 33 वॉट की चार्जिंग भाई कम नहीं होती। मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ ना, अगर 6000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको रियलमी 7 प्रो में 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती ना, तो मैं इस फोन को चूज करता। लेकिन अगर आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको इसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको 65 वॉट की बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए ना, तो आप रियलमी 7 प्रो के साथ भी जा सकते हो। बात कर लेते हैं प्रोसेसर और UI को लेके, तो पोको X3 में आपको वही MIUI देखने को मिलता है Android 10 पर बेस्ड, और Realme में आपको Realme UI Android 10 पर बेस्ड। लेकिन प्रोसेसर आपको पोको X3 में ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, 732G वही आपको देखने को मिलेगा Realme 7 Pro में Snapdragon की तरफ से आने वाला 720G। तो मतलब इसमें 720G इसमें 732G, तो यार पोको X3 आपको ज्यादा अच्छी ऑफरिंग दे रहा है प्रोसेसर के मामले में। अब जल्दी से प्राइस की बात करते हैं और कंक्लूजन की बात करेंगे कि भाई कौन से फोन में आपको जाना चाहिए, कौन से फोन में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो यार पोको X3 के 3 वेरिएंट आते हैं, 6+64, 6+128, 8+128। मतलब और Realme 7 Pro में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6+128, 8+128। तो भाई पहले 6+64 पोको X3 का बता दूं, आता है 17,000 रुपए की कीमत पे, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है इसकी। अब दोनों वेरिएंट की मतलब 6+128 Realme 7 Pro आता है 20,000 रुपए में, और वही 6+128 पोको X3 आता है 18,500 रुपए में। अब अगले वेरिएंट की बात करें, 8+128 Realme 7 Pro आता है 22,000 रुपए में, वही पोको X3 आता है 20,000 रुपए में 8+128। तो प्राइसिंग पोको की काफी अच्छी रखी गई है, लेकिन यार वेरिएंट के हिसाब से जो प्राइसिंग बढ़ाई है ना, मतलब Realme 7 Pro ने 2GB के लिए 2000 बढ़ा दिए यार, ये भी बहुत गलत है, 1000 तक बहुत सही रहता है। और भाई पोको X3 ने भी यार 1500 बढ़ा दिए 2GB के लिए और स्टोरेज के लिए, मतलब 1000 बढ़ा दिए थे। 17, 18, 19 का हो जाता बहुत अच्छी बात होती, Realme 7 Pro 20-21 का हो जाता बहुत अच्छी बात होती यार। लेकिन अब भी मैं ये कहूँगा इस प्राइस सेगमेंट पे बेस्ट है फोन, 22,000 का भी Realme 7 Pro बेस्ट है। यार अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन को लेके, तो भाई 5 पॉइंट मैंने कवर करे। डिजाइन, अगर आपको लाइट वेट फोन चाहिए तो Realme 7 Pro। डिस्प्ले, मैं यही कहूँगा सुपर एमोलेड के साथ जाओ Realme 7 Pro। कैमरा, अल्ट्रा वाइड शॉट ज्यादा अच्छी चाहिए तो पोको X3। सेल्फी ज्यादा अच्छी चाहिए तो Realme 7 Pro। प्रोसेसर ज्यादा अच्छा चाहिए तो पोको X3, ज्यादा अच्छा नहीं चाहिए तो Realme 7 Pro के साथ जाओ। क्या बचा, बैटरी, बड़ी बैटरी चाहिए नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मिनी यार 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बैटरी चाहिए तो पोको X3 के साथ जाओ। लेकिन अगर 45 mAh की बैटरी भी चल जाएगी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, तो भाई Realme 7 Pro के साथ जाओ। तो भाई बैटरी का तो सबसे मेन वो था कि भाई एक दे रहा है बड़ी बैटरी थोड़ी तेज 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, एक दे रहा है थोड़ी छोटी बैटरी लेकिन फास्ट चार्जिंग बहुत तगड़ी दे रहा है। तो यार कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, लेकिन प्राइसिंग पोको X3 की बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा यार पोको X3 के साथ चले जाओ। लेकिन अगर सुपर एमोलेड का इमेज लेना है, सेल्फी थोड़ी और अच्छी लेनी है, तो आप 2-3 हज़ार ऊपर खर्च करके Realme 7 Pro के साथ जा भी सकते हो। लेकिन यार पोको X3 से कंपेयर करें ना, तो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता Realme 7 Pro। हाँ, हालांकि सुपर एमोलेड प्लस के ज्यादा अच्छे, मतलब सुपर एमोलेड के ज्यादा अच्छे पैसे ले रहा है। अगर Realme 7 Pro में भी आपको 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाता ना, तो मैं यही सजेस्ट कर देता। पर भाई अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही चाहिए ना, तो पोको X3 के साथ चले जाओ। लेकिन अगर आपको LCD स्क्रीन नहीं चाहिए, एमोलेड चाहिए, तो आप Realme 7 Pro के साथ जाओ। इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनल चॉइस जरूर बताना, क्योंकि सारे फीचर्स मैंने कंपेयर करके बता दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन से फोन के फीचर्स, प्राइसिंग, वैल्यू फॉर मनी ज्यादा अच्छा लगा। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक।